गाइस कैसे हैं आप लोग। आई एम श्योर कि आप लोग जो बहुत ही अच्छे होंगे। मेरा नाम है मंजीत सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल टेक गुरु मंजीत। और जल्दी से जाके मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो फॉलो कर सकते हैं। मेरा आईडी है टेक गुरु मंजीत और वहां पे जाके आपके जो भी सवाल हैं आप पूछ सकते हैं, देन एंड देयर आपको जो है रिप्लाई मिल जाएगा। और आज जो है मैं आप लोगों को हमारा जो मल्टीपल ISP सीरीज चल रही है उसके अंदर हम और आगे बढ़ने वाले हैं, कॉन्फ़िगरेशन करने वाले हैं। तो बेसिकली आज के इस पूरे वीडियो के अंदर मैं आपको OSPF का नेटवर्क जहां जहां पर भी अवेलेबल है उस पूरे नेटवर्क के अंदर उसको हम कॉन्फ़िगर करेंगे। और साथ ही साथ जो है यहां पर आप में से एक ने जो है सवाल पूछा है वो ये कि हर राउटर पे जो है अलग अलग पोर्ट्स होते हैं तो आप एक ही पोर्ट पे सारा कॉन्फ़िगरेशन क्यों कर रहे हो। मैं एक ही पोर्ट पे नहीं कर रहा हूं, बेसिकली हर राउटर पे जितने भी मैं राउटर इस्तेमाल कर रहा हूं उन सभी राउटर्स के दो दो ही पोर्ट इस्तेमाल किए हैं, जिसमें से आपका एक फास्ट इथरनेट 0/0 है और दूसरा जो है फास्ट इथरनेट 0/1 है। तो दोनों पे ही मैं कॉन्फ़िगर कर रहा हूं। आप थोड़ा सा वीडियो को स्लो करके देखें, अगर आपको फास्ट लग रही है तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन पे और वहीं चल के देखते हैं कि किस तरह से OSPF का नेटवर्क जो है हमें कॉन्फ़िगर करना है। और फिर जो है इसके बाद नेक्स्ट जो हमारी लेक्चर आएगा उसके अंदर हम सीधा क्लाइंट को जो है कॉन्फ़िगर करेंगे। और क्लाइंट नेटवर्क को कॉन्फ़िगर करने के बाद हमारा जो मेन मकसद था जो सर्वर्स के साथ में इसको कॉन्फ़िगर करना है उसको हम देखेंगे। तो चलिए चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन पे। सो गाइस हम आगे लैपटॉप स्क्रीन पर। लास्ट लेक्चर के अंदर ये ERGRP को हमने कॉन्फ़िगर करा था, आज हम OSPF को यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर और यहाँ पर कॉन्फ़िगर करेंगे। तो चलते हैं राउटर नंबर 4 पे। तो मैं इसको थोड़ा सा इधर ड्रैग कर देता हूँ ताकि चीज़ें जो है हमारे पास क्लियरली विजिबल रहें। और यहाँ पर हमारे पास स्क्रीन भी जो है वो राउटर के जो हम कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं वो भी यहाँ पर क्लियर है। तो चलते हैं ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन पे, इंटरफेस F0/1 जो कि राउटर नंबर इस वाले के साथ में कनेक्टेड है। और यहाँ पे हमने IP एड्रेस असाइन करना है 16.0.0.1 और 255.0.0.0 और इसको कर देते हैं नो शटडाउन, ये हमने कर दिया है। और यहाँ से हम सीधा एग्जिट करते हैं और IP राउटिंग टू एनेबल डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल राउटर OSPF और उसका जो प्रोसेस ID होता है दैट इज 1। और यहाँ पे हमारे पास जो नेटवर्क है वो है 16.0.0.0। जब हम यहाँ पर OSPF के साथ में काम करते हैं तो हमें जो है यहाँ पर कौन सा एरिया हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी बताना पड़ता है और साथ ही साथ हमें यहाँ पे इसका वाइल्ड कार्ड मास्क भी एंटर करना पड़ता है। तो यहाँ पे हम जो है क्लासफुल यूज कर रहे हैं तो क्लासफुल के साथ में आपका जो वाइल्ड कार्ड मास्क आएगा वो यहाँ पर आएगा 0.255.255.255 और यहाँ पे हम सब जगह पे एरिया 0 ही कॉन्फ़िगर करेंगे। तो ये हमने यहाँ पे कर दिया है एक्टिवेट। और जो है अब चलते हैं इस राउटर पे और यहाँ पर जाकर भी हमने जो है नेट इसको कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट करना है। और यहाँ पे इस राउटर पे एनेबल करते हैं, चलते हैं ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड पे, इंटरफेस यहाँ पर F0/0 है और इसमें IP एड्रेस हम असाइन करेंगे आपका 16.0.0.2 255.255.255.0। नो शटडाउन कर देते हैं यहाँ पे क्योंकि ये पोर्ट आपके जो है शटडाउन स्टेट पे होते हैं। सेकंड इंटरफेस को कॉन्फ़िगर करेंगे F0/1 को और यहाँ से हम इसको IP एड्रेस देंगे 17.0.0.1 255.0.0.0 और इसके साथ जो है हम यहाँ पर कर देते हैं एंटर और इसको करते हैं नो शटडाउन। ऊपर साइड पे जो हमने F0/0 पे सबनेट मास्क गलत दिया है तो वापस से हम यहाँ पे चलते हैं इंटरफेस F0/0 पे और यहाँ पे जाके हम जो है उसको सही कर देते हैं। IP एड्रेस यहाँ पर हमारा था 16.16.0.0.2 255.0.0.0 करना था, ये हमने सही कर दिया है। अब चलते हैं थर्ड इंटरफेस पे और जो कि है F1/0 और इस पे IP एड्रेस देंगे तो यहाँ पर आपका 15 का IP एड्रेस है तो 15.0.0.1 255.0.0.0 और नो शटडाउन कर देते हैं इसको भी और यहाँ से एग्जिट करते हैं। और यहाँ पर IP राउटिंग टू एनेबल डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल उसके बाद हम यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर देंगे राउटर OSPF 1 और यहाँ पे नेटवर्क हमारे पास है एक तो 16.0.0.0 इसका वाइल्ड कार्ड मास्क जो है वो 0.255.255.255 एरिया 0 से बिलोंग करता है
सेकेंड हमारे पास नेटवर्क है यहाँ पे 17.0.0.0, वाइल्ड कार्ड मास 0.255.255.255, और ये भी हमारा एरिया जीरो से ही बिलोंग करता है। तो देख सकते हैं यहाँ पे हमारी पहली नेबरशिप जो है एस्टेब्लिश हो चुकी है, जैसे हमने यहाँ पे 16 वाला डाला था। और इसके बाद हमारा तीसरा जो नेटवर्क है वो है 15 वाला, तो 15.0.0.0, वाइल्ड कार्ड मास 0.255.255.255.0 और सॉरी नॉट 255, और एरिया जो है इसका भी हमारा जीरो रहेगा। तो ये तीनों हमने यहाँ पे एडवर्टाइज कर दिए हैं। चलते हैं अब राउटर नंबर इस पे जो क्लाइंट एंड पे लगा हुआ है, यहां पर कॉन्फिगर करेंगे। तो यहाँ पे हम सिर्फ जो OSPF का इंटरफेस आ रहा है उसी को कॉन्फिगर करेंगे, बाकी जो है उसको अपन बाद में देखेंगे। तो चलते हैं ग्लोबल कॉन्फिगरेशन मोड पे, इंटरफेस F0/0, IP एड्रेस 17.0.0.2, 255.0.0.0, नो शटडाउन करते हैं यहाँ पर भी। तो ये हमारा पोर्ट नो शटडाउन हो गया। एग्जिट करते हैं IP राउटिंग, और यहाँ पर हमने लिखना है राउटर OSPF1, और नेटवर्क हमारा एडवर्टाइज करना है 17.0.0.0, 0.255.255.255, एरिया जो है वो जीरो है हमारा। तो ये हमने यहाँ पे कॉन्फिगर कर दिया है। अभी हमारी ये नेबरशिप जो है इस्टेब्लिश हो जानी चाहिए। OSPF में थोड़ा सा टाइम लगता है क्योंकि OSPF का नेबरशिप प्रोसेस जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है कम्पेयर टू अदर, और तब तक जो है हम यहाँ पर अगर कुछ प्रॉब्लम होगी तो नो वरीज, मैं आप लोगों को ट्रबल शूट करना भी सिखा दूंगा अगर कोई प्रॉब्लम होगी। तब तक जो है हम आगे बढ़ते हैं और इस राउटर पे जाके हम कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं। तब तक तो यहाँ पर जो है हमने चलना है, एनेबल करते हैं, चलते हैं ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन पे, इंटरफेस और F0/1, और इसके ऊपर हम IP एड्रेस असाइन करते हैं 15.0.0.2 और 255.0.0.0, और इसको कर देते हैं नो शटडाउन। एग्जिट करते हैं यहाँ पर इंटरफेस IP राउटिंग टू, और उसके बाद राउटर OSPF1, और यहाँ पर हमारे पास जो नेटवर्क है वो है 15.0.0.0, 0.255.255.255, एरिया जो है जीरो। यहाँ पर भी हमने कॉन्फिगर कर दिया। तो फाइनली हम जो चलेंगे यहाँ पे जो OSPF नंबर 2 है इसको कॉन्फिगर करेंगे। तो उस राउटर पे भी चलते हैं और यहाँ पर जाकर एक बार चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो है हम OSPF कॉन्फिगर करेंगे, तो एनेबल करते हैं, चलते हैं ग्लोबल कॉन्फिगरेशन पे, इंटरफेस F0/1, और यहाँ पे IP एड्रेस देना है हमने 14.0.0.2 देंगे यहाँ पर इस पोर्ट पे, और 1 देंगे यहाँ ऊपर साइड पे, तो 255.0.0.0, सॉरी यहाँ पे एक जीरो कम रह गया तो ये रहा, और नो शटडाउन कर देते हैं। एग्जिट करते हैं IP राउटिंग और राउटर यहाँ पे OSPF1 रहेगा। नेटवर्क एडवर्टाइज करते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास 14.0.0.0, 0.255.255.255, और हमारे पास एरिया जो है यहाँ पर 2 होगा, लेकिन यहाँ पे हमने OSPF2 कॉन्फ़िगर करना था, हमने कर दिया 1। तो हम इसको एडवर्टाइज ना करते हुए वापस यहाँ से एग्जिट करते हैं और यहाँ पे कर देते हैं पहले तो नो राउटर OSPF1, और वापस से हम यहाँ पे कॉन्फ़िगर करते हैं राउटर OSPF2, और अब जाकर नेटवर्क एडवर्टाइज करते हैं, दैट इज 14.0.0.0, 0.255.255.255, और हमारा जो एरिया है वो यहाँ पर रहेगा 0। तो ये हमने यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर दिया, और इसके बाद जो है चलना है हमने यहाँ पर इस वाले राउटर पे, और यहाँ पर भी जाके हम इसको कॉन्फ़िगर कर लेते हैं, एनेबल करते हैं, चलते हैं ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन पे, इंटरफेस F1/0, और IP एड्रेस यहाँ पर हमने देना है 14.0.0.1 और 255.0.0.0, नो शटडाउन। एग्जिट करते हैं, IP राउटिंग पहले कर चुके हैं हम इस पे क्योंकि IGRP पहले से कॉन्फ़िगर्ड है, सीधा हम कॉन्फ़िगर करेंगे OSPF2, नेटवर्क एडवर्टाइज करेंगे यहाँ पे 14.0.0.0, 0.255.255.255, और एरिया जो है हमारा 0 रहेगा। तो यहाँ पे हमने कॉन्फ़िगर कर दिया है, तो ये भी हमारा काम हो चुका है। अब एक बार जो है हम वापस से सारे राउटर को एक बार चेक कर लेते हैं, यहाँ पर देखते हैं चल के,
तो देख सकते हैं यहाँ पे नेबरशिप आपकी एस्टेब्लिश हो चुकी है, ठीक है। और इस तरफ आते हैं, यहां पर भी चेक कर लेते हैं नेबरशिप आ चुकी है कि नहीं। तो यहां पर भी आप देख सकते हैं कि ये नेबरशिप आपकी एस्टेब्लिश हो चुकी है, ठीक है। और इसके साथ साथ जो है यहां पर अब हम चेक कर लेते हैं कि यहां पर नेबरशिप आई है कि नहीं। तो देख सकते हैं यहां पर भी नेबरशिप आपकी अप हो चुकी है। तो बेसिकली इस पूरे नेटवर्क के अंदर जो भी हम यहाँ पे नेटवर्क कॉन्फिगर कर रहे हैं, इसके अंदर जो है हमारा OSPF का कॉन्फिगरेशन हो चुका है। अब जो है कल हम यहाँ पे इस नेटवर्क को देखेंगे, इसके साथ में कॉन्फिगर करेंगे, या फिर जो है ये बचा हुआ जो सेक्शन है ISP नेटवर्क्स का, पहले उसको क्लियर कर लेंगे, उसके बाद जो है हमने जो भी यहाँ पे प्रोसेस वगैरह करने हैं वो इम्प्लीमेंट करेंगे। उसके बाद ये पूरा ISP नेटवर्क क्लियर होने के बाद क्लाइंट को कॉन्फिगर करेंगे, राइट। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, तब तक स्टे सेफ।